लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर पर आ गया है, आखिरी चरण का चुनाव होना है और इस चुनाव में तमाम मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। बात हो रही है औरंगजेब पर, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम पर। दरअसल कहा जा रहा है कभी कि मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ में है तो कभी लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम मोदी जी के साथ में। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चुनाव में दोनों ही तरफ से क्यों मुद्दों की बात नहीं हुई, बात भटकाने की हुई, हिंदू मुस्लिम की बात हुई। मैं सब ये बताइए क्यों लगता है आपको ऐसा, क्या लगता है क्यों, क्या मजबूरी थी सियासी दलों की कि उन्होंने मुद्दों की बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम की बात की, बात औरंगजेब की बात युधिष्ठिर की। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा तो पहले चरण तक तो ठीक रहा मामला, उसके बाद जो भाजपा की दुर्गति होना शुरू हुई तो उसके बाद इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा या और कोई चारा बचा नहीं था। आप देखिए देश का प्रधानमंत्री जब मुजरा जैसी बातें कर रहा है और इतने मंच से कर रहा है और सारी दुनिया देख रही है तो हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, कितना एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिर रही है। इससे ज़्यादा इस चुनाव में तो मैं सोच रहा हूँ दुर्गत नहीं हो सकती। जो सत्ता पक्ष ने जिस तरह की बयानबाजी की, सत्ता पक्ष ने जिस तरह की हरकतें की, तो औरंगजेब या मुसलमानों की बात करना तो इनकी पुरानी आदत रही है। औरंगजेब और मुसलमानों की बात करने से किसका फ़ायदा हो रहा, कौन से सियासी दल को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? ये जनता समझदार है, ठीक है, वो सब जानती है। आप चाहे औरंगजेब की बात करें या फिर अन्य किसी की बात करें, जिसको उन्होंने अपना रुख बना लिया है कि हमें किसको वोट करना है। मोदी जी पे सबको विश्वास रहा है, उन्होंने देखा उनका 10 साल का कार्यकाल, तो इसलिए मोदी जी को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिता रहे हैं। मुसलमान भी मोदी जी के साथ में? बिल्कुल है साथ में, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। भाई साहब, क्या आपको लगता है कि मुसलमान भी मोदी जी के साथ में और इस बार जो है दबाव है, दबाव की वजह से खुल के नहीं बोल रहा है? नहीं, मुसलमान पर कोई किसी दबाव नहीं है, और फिर जो जिसको वोट कर रहा है चुपचाप वोट कर रहा है, इसके आपकी सब शांति से वोट डाले जा रहे हैं। कोई ऐसा उत्साह लोगों में नहीं है कि एक तरफा वोट जा रहा है, बड़ी संघर्ष की राजनीति हो रही है इस समय। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जीत जाए, गठबंधन भी अच्छा लड़ रहा है इस समय और जहाँ जहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सब अच्छे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की जब शुरुआत हुई तब बात विकास की हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ते गए बात औरंगजेब की होने लगी। क्योंकि विकास हुआ ही नहीं ना, ज़मीन पर विकास ही नहीं हुआ, तो जब देखा विकास पर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो ये लोग औरंगजेब, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम इसी पर चुनाव लड़ने लगे। विकास होता तो विकास की बात करते ही है, जब विकास ही नहीं हुआ तो कहाँ से विकास की बात करेंगे। मतलब क्या लगता है हिंदू मुस्लिम की बात करने से फ़ायदा किस दल का हो रहा है, क्या बीजेपी का फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है या फिर इंडिया गठबंधन इसमें बाजी मार रहा है? देखिए पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे अंतिम चरण में है और पहले चरण से लेके अब तक जितना चुनाव हुआ है क्रमबद्ध तरीके से लगातार ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और जनता खुल के इनको हटाने के लिए लामबंद हुई है और इसीलिए ये तरह तरह से धार्मिक आधार में बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भाजपा पूरी तरह फेल हो चुकी है। देश में बदलाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन ने देश के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, अग्निवीर योजना को रद्द करके परमानेंट नौकरियों के सवाल पर और विकास के सवाल पर, किसानों की आय के सवाल पर, इन सवालों पर जब चुनाव लड़ा गया है उसी का असर है कि देश की जनता चाहे किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो, वो सब इंडिया गठबंधन के पीछे खड़ी है और उसके कारण मोदी जी भयभीत हैं। आज मोदी जी खुद चुनाव में फंसे हुए हैं बनारस के अंदर, जिस तरीके से अखिलेश जी का स्वागत हुआ, राहुल जी का स्वागत हुआ, डिम्पल जी का स्वागत हुआ, प्रियंका जी का स्वागत हुआ और लाखों की भीड़ निकली इंडिया गठबंधन के पीछे, तो मोदी जी को लग रहा है कि खुद कहीं चुनाव ना हार जाएं, इसलिए देश भर से भाजपा के लोगों को, संघ के लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भी हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता वहाँ जो डेरा डाले हैं जिनका बनारस से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए कहीं धोखे में वो ना हार जाएं। देखिए देश की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया था, पहले तो विकास के नाम पे आए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो बात लेकर के आए, वो पता नहीं कहाँ धरातल पे चली गई या दुनिया के किस कोने में चली गई है। सबसे बड़ी बात तो एक विशेष पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सिर्फ एक शख्स है जिसकी पर्सनालिटी को लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं क्या एक प्रधानमंत्री का स्तर क्या इस तरह से गिर गया है कि वो जो है मुजरे की बात करेगा, वो मंगलसूत्र की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा। ये तो बड़े अफसोस की बात है। उनके जो शब्द रहते हैं कि रडार में हमने जो है मतलब वो छुपा दिया,
क्या मतलब लॉजिक है, किस तरह की, ये गांधी को कोई जानता ही नहीं है, मतलब क्यों एक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की गरिमा इस बात की है कि प्रधानमंत्री भारतवर्ष का बहुत महान होता है, अगर कोई प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरह का अगर कोई इल्ज़ाम लगता है तो समझ लीजिए देश के एक एक नागरिक की बेइज्जती होती है। लेकिन इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है, इतना बड़ा कद कर लिया है, और उस कद के साथ साथ आपकी जो हरकतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो धरातल पे चली गई हैं। क्या लगता है कौन जीत रहा है डर दिखाने के मामले में? अब जीतने की बात जहाँ तक है, अब की बार जनता ने अपना मत छुपा के रखा हुआ है और हो सकता है कि बीजेपी को मुँह की खानी पड़े, ऐसी संभावनाएँ मौजूद हैं। आगे कुछ चुनाव जो होने वाले हैं उनमें बचत हो जाए, इसके लिए इन्होंने सारे ये औरंगजेब और ये दूसरे हिंदू वर्सेस और डराने की बातें कि अगर हिंदू बीजेपी हार गई तो हिंदुओं की लड़कियों को लोग उठा ले जाएंगे घर से, इस तरीके की बातें ये समाज में फैला करके समाज को दूषित कर रहे हैं। और ये जिस मुसलमान को घुसपैठिया कहते हैं, इंडिया गेट पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा नाम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वालों में मुस्लिमों के लिखे थे, इन्होंने वहाँ से उस पट्टी को इसीलिए हटाया है, वो जो लाइट लगी थी वहाँ पे इसीलिए हटाया वहाँ से। मैं हूँ युवा, मेरे तीन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन तीन मुद्दों पे ही वोट देना है। और मैं सबसे अपील भी करूँगा इन्हीं मुद्दों पे वोट दो, औरंगजेब, अकबर, फलाने, धमाके, इन सब चीज़ों पे वोट नहीं देना है। ये सब मोदी जी पहले चरण से ही यही रथ गाते हुए आ रहे हैं कि कोई मंगलसूत्र चुरा रहा है, कोई तुम्हारी भैंस चुरा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री इस देश के हैं कि कहीं और के हैं। इनकी भाषा जो है वो बहुत शालीनता भरी नहीं है, और बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की बयानबाजी पूरे चुनाव के दौरान की गई है वो कहीं से भी ठीक नहीं रही। बात मंगलसूत्र की गई, बात औरंगजेब की गई, बात तमाम ऐसे मुद्दों की गई जो वास्तव में मुद्दे नहीं थे, विकास पे बात नहीं हुई। यही वजह है कि लोग चुनाव से अपने आप को थोड़ा सा दूर भी समझ रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए लोग। हालांकि युवाओं का कहना यही है कि बात स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, बात शिक्षा पे होनी चाहिए, बात रोज़गार पर होनी चाहिए। गुरुजन चंद्र सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।